दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेन। एक बार फिर से ब्रिजेन ज्ञान एक्सप्रेस में आप सभी दोस्तों का मैं दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं हिंदी व्याकरण का लेक्चर कंटिन्यू कर पा रहा हूं और अभी तक के लेक्चर में मैंने आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया के प्रकार और क्रिया संबंधी अभ्यासकार ये सब मैंने कराया है। उसी सीरीज़ का ये अगला टॉपिक है और मैंने विशेषण का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको विशेषण की विशेष बातें बताई, विशेषण विशेष्य क्या है और विशेषण से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो ये विशेषण सीरीज़ का अगला वीडियो है, इसमें मैं विशेषण के चार प्रकार जो है उनको विस्तृत रूप से एक एक करके पूरा कवर करूँगा और ये चारों विशेषण को मैं बहुत ही आसानी से आपको समझाऊँगा। और अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो विशेषण विशेष से संबंधी कोई भी कन्फ्यूज़न आपके पास नहीं रह जाएगी। दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं, समीक्षा अधिकारी का जो पेपर होता है उसमें 60 नंबर की हिंदी आती है और उसमें विशेषण विशेष से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इनफैक्ट पाँच से छः प्रश्न विशेषण विशेष पर आधारित होते हैं हिंदी व्याकरण में। तो समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं सभी प्रतिभागियों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट हिंदी का जितना भी मैटर मैंने आपको दिया है और जो भी आगे अभी आपको दूंगा वो समीक्षा अधिकारी के लिए, यूपीएसआई के लिए, एमपीएसआई के लिए और जितनी भी अध्यापक पात्रता परीक्षाएं हैं और जहां भी हिंदी को एक विषय के रूप में शामिल किया जाता है उन सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियोस हैं। अगर आप सिर्फ मेरे वीडियो ही देख लेते हैं तो आपको कोई भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैंने जो मैटर दिया है वो जितनी भी अच्छी किताबें हिंदी की हैं उनसे मैंने मैटर कलेक्ट करके आपको देने का प्रयास किया हुआ है। तो दोस्तों मेरी गुजारिश आपसे है कि आप अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ताकि आपको बिना किसी समस्या के वीडियो लगातार मिलते रहें। दोस्तों आइए शुरू करते हैं, हमारा टॉपिक आज का है विशेषण के प्रकार और आज हम विशेषण के प्रकार को बहुत ही विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो चार प्रकार के विशेषण होते हैं, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तो एक एक करके हम इनको आज पढ़ेंगे। बहुत ही आसानी से मैंने इनकी व्याख्या किया हुआ है, आपको मैटर यहाँ पर दिया हुआ है और अगर ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण अपने नाम से ही जाना जाता है, गुणवाचक यानी कि ऐसा विशेषण जो रंग, रूप, आकार अथवा गुण रूपी विशेषता को व्यक्त करे। यानी जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के रंग रूप के बारे में, उसके आकार के बारे में या उसके किसी खास गुण के बारे में बताएं तो उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे भाई लाल, नीला, पीला, काला ये सब रंग की विशेषताएं, लाल मणि, नीला कमल, तो लाल मणि यहाँ पे गुणवाचक है, काला घोड़ा तो काला घोड़ा यहाँ पे गुणवाचक है, सुंदर दृश्य, सुंदर स्त्री, सुंदर पेंटिंग, सुंदर लिखावट जो भी है, लंबा लड़का, छोटा लड़का, मोटा लड़का, चौकोर घड़ी, तिकोना घर, गोल चौराहा। तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरह के जो भी शब्द होते हैं, लाल, नीला, पीला, सुंदर, कुरूप, लंबा, चौकोर, छोटा, मोटा, बड़ा, तो ये सब गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं क्योंकि ये किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, रूप, आकार की विशेषता को बताते हैं। तो बहुत ही आसान है गुणवाचक विशेषण को पहचानना। दोस्तों नंबर दो पे है सार्वनामिक विशेषण, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सार्वनामिक विशेषण ये सर्वनाम में एक प्रत्यय जोड़ने से सर्वनाम धनिक सार्वनामिक हो जाएगा। तो सर्वनाम से बने विशेषण, ऐसे विशेषण जो सर्वनाम से बने होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। दोस्तों अगर आपने सर्वनाम का वीडियो देखा है तो मैंने वहाँ पे सर्वनाम के 6 प्रकार आपको बताए हैं और उन 6 प्रकार में मैंने आपको एक निश्चयवाचक विशेषण सर्वनाम और एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपको बताया है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में मैंने यह, वह, ये, वे बताए थे। तो चूंकि यह, वह, ये, वे ये निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ करते हैं जब ये किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं
लेकिन अब यहाँ पे वही शब्द यह वह ये वे विशेषण के रूप में जाने जाएंगे क्योंकि ये किसी संज्ञा से ठीक पहले प्रयुक्त होंगे। यह पुस्तक अच्छी है तो पुस्तक की विशेषता यह पुस्तक। वह इमारत बहुत पुरानी है तो इमारत वह इमारत तो यह वह। ये कुर्सियाँ पुरानी हैं, वे लोग बहुत ईमानदार थे। तो जो भी देख पा रहे हैं, जब ये जो शब्द हैं यह वह ये वे किसी संज्ञा से ठीक पहले आते हैं तो इन्हें हम कहते हैं विशेषण, और इन्हें विशेषण में सार्वनामिक विशेषण कहते हैं क्योंकि ये सर्वनाम के टॉपिक में निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। तो चूंकि ये पहले सर्वनाम थे, अभी ये विशेषण में विशेषण का काम कर रहे हैं, तो इसीलिए इनका नाम पड़ गया सार्वनामिक विशेषण। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, और अगर आप सर्वनाम का वीडियो देखे होंगे तो आपको वहाँ भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि जब ये शब्द संज्ञा से ठीक पहले आएंगे तो ये विशेषण कहलाएंगे, और अगर ये संज्ञा से दूर आएंगे तो ये सर्वनाम कहलाएंगे। तो आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं है तो एक बार फिर से आपको सर्वनाम का वीडियो देखना चाहिए जो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो दोस्तों सार्वनामिक विशेषण क्या है, जो सर्वनाम से बने होते हैं उनको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आइए चलते हैं तीसरे सर्वनाम की ओर, जिसे हम संख्यावाचक सर्वनाम कहते हैं। दोस्तों संख्यावाचक विशेषण क्या है, ऐसा विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या रूपी विशेषता को बताए, गिनती रूपी विशेषता को बताए, उसे कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। और संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार का होता है, नंबर एक पे निश्चित संख्यावाचक विशेषण, नंबर दो पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होगा, ऐसा विशेषण जो निश्चित संख्या को लिमिटेड नंबर्स को बताए, निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, और जो अनिश्चित संख्या को बताए उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण को पुनः जो है पांच भागों में बांटा गया है। इनको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनमें अक्सर लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत क्लियर हो जाएगा, एकदम आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। पहले नंबर पे गणनावाचक विशेषण है, गणनावाचक संख्यावाचक विशेषण है। तो गणनावाचक विशेषण किसे कहते हैं, ऐसे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की गणना के लिए प्रयुक्त हों, उनकी गिनती के लिए प्रयुक्त हों, उनको गिनने के लिए प्रयुक्त हों, वो गणनावाचक होते हैं। जैसे पांच लोग जा रहे थे, तीन लड़के बात कर रहे थे, दस घर जो है अधूरे थे, तो पांच लोग यहाँ पे गिनती पांच लोगों मतलब कि गिनती में पांच लोगों की बात कर रहे हैं, तीन लड़के यानी गणना में तीन लड़के, तो पाँच तीन दस पंद्रह बीस पच्चीस, ये सब गणनावाचक विशेषण होते क्योंकि इनसे गिनती का बोध होता है, वस्तुओं या व्यक्तियों की गिनती का बोध होता है, तो ये गिनती वाचक या गणनावाचक विशेषण कहलाते हैं। नंबर दो इम्पॉर्टेंट है, यह है क्रमवाचक। दोस्तों इसको इंग्लिश में रैंक या ऑर्डर कहते हैं। तो जो क्रम को व्यक्त करे, जो उसके ऑर्डर को व्यक्त करे, जो उसकी रैंक को व्यक्त करे, पोजीशन को व्यक्त करे, वो होता है क्रमवाचक। जैसे पांचवा आदमी नहीं आया, तीसरा लड़का झूठ बोल रहा है, दसवां घर बहुत सुंदर है। तो यहाँ आप देखेंगे कि पांचवा यानी कि क्रम से देखा जाए तो एक दो तीन चार पांचवे नंबर पे जो आदमी है वो उसकी बात हो रही है। तो ये किसको व्यक्त कर रहे हैं, ये क्रम को व्यक्त कर रहे हैं। तीसरा लड़का यानी कि एक दो तीन तीसरे नंबर वाला जो लड़का है हम उसकी बात कर रहे हैं, तो ये क्रम को व्यक्त करता है। इन दोनों में एक खास अंतर क्या है दोस्तों, ये कि ये बहुवचन में होते हैं, ये एक वचन में होते हैं। जैसे पांचवा आदमी, हम एक ही आदमी की बात कर रहे हैं लेकिन जो पांचवे नंबर पे है वो, तो ये क्रमवाचक एक वचन के लिए होता है। गणनावाचक पाँच लोग हैं तो बहुत पाँच लोग बहुवचन है, तीन लोग बहुवचन है, तो ये एक खास अंतर दोनों में है कि क्रमवाचक एक वचन होता है, वो क्रम को व्यक्त करता है। जैसे हम कहें कि
हमारे एक हाथ में पांच उंगलियां हैं, तो पांच पांच की पांचों बहुवचन को शो कर रही हैं, लेकिन हम कहें कि मेरी पांचवी उंगली में चोट लगी है, तो पांचवी मतलब इकलौती, जो पांचवें नंबर की इकलौती उंगली है वो पांचवी। तो ये पांच और पांचवी में फर्क है, पांच है गणनावाचक और पांचवी है क्रमवाचक, जो बहुत ही आसान है इसको समझना। अब नंबर 3 पे आवृत्तिवाचक। आवृत्ति को वैसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जहाँ पे रिपीटिशन होता है, जहाँ पे कोई चीज़ रिपीट हो, दोहराई जाए, उसको आवृत्ति हिंदी में कहते हैं। तो 5 गुना लोग 3 गुना लड़के। अब 5 गुना कैसे होगा, जब 5 को हम 5 बार रिपीट करेंगे, 5 5 तभी तो 5 गुना हुआ। अगर आपने 3 गुना कहा, जैसे मान लीजिए 5 लड़के आते हैं, आज कहा कि आज 3 गुना लड़के आ गए, तो 5 5 5 5 से 15 हुआ, यानी कि 5 की संख्या 3 बार रिपीट हुई, तो उसे हम 5 गुना या 3 गुना जो भी कहते हैं। तो आवृत्तिवाचक जो संख्यावाचक विशेषण होगा, उसमें कॉमन तौर पे गुना शब्द रहेगा, 5 गुना 10 गुना 8 गुना 10 गुना, ये जो होते हैं आवृत्तिवाचक होते हैं। अब है समूहवाचक, जो समूह को सबको इकट्ठा व्यक्त कर दे, जैसे कहा कि पांचों लोग विरोध कर रहे थे, पांच के पांचों, एक समूह की बात हो रही है, तीनों लड़के शिकायत कर रहे थे, तीनों लड़के चिल्ला रहे थे, तो 3 के 3 एक समूह की बात होगी, समूह में वो चिल्ला रहे, दसों घर में पुताई चल रही है, तो एक सामूहिक काम हो रहा है कि सबके सब एक साथ, तो दसों पांचों तीनों चारों, ये सब किस में आएगा, समूहवाचक में आएगा। और अंतिम है प्रत्येक बोधक, जो एक या प्रत्येक का बोध कराए, प्रत्येक बोधक, प्रत्येक आदमी पैसा कमाना चाहता है, प्रत्येक आदमी पूजा करता है, एक एक लड़का उससे मिलना चाहता है, एक एक लड़का उसकी तारीफ करता है, तो प्रत्येक बोधक बहुत ही आसान है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि पांच है, पांच की बात, अगर आपसे कहा गया पांच तो ये है गणनावाचक, पांचवा क्रमवाचक, 5 गुना आवृत्तिवाचक, पांचों समूहवाचक, प्रत्येक एक एक प्रत्येक बोधक। तो ये है निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 प्रकार, जिन्हें आपको याद रखना होगा। अब दोस्तों नंबर 2 पे जो है अनिश्चित संख्यावाचक, ये बहुत आसान है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। ऐसे विशेषण जो अनिश्चित संख्या को बताएं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो कुछ लोग, अब कुछ लोग में कितने हैं कुछ कंफर्म नहीं हो रहा, कुछ लोग अनिश्चित संख्या है, कुछ में 5 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, तो कुछ लोग, थोड़े आदमी नाराज हैं, थोड़े का मतलब वही है, थोड़े का मतलब कुछ होता है, सभी छात्र में 5 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, भाई तो ये सारे अनिश्चितता का बोध कराते हैं, अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, इसीलिए इन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम अंतिम विशेषण की ओर चल रहे हैं, जिसे हम कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण, या इसे मात्रात्मक विशेषण भी कहते हैं। परिमाण को मात्रा से डिनोट करते हैं, परिमाण का मतलब मात्रा, क्वांटिटी की बात हो रही है। तो ये भी 2 तरह का होता है, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। जो विशेषण पदार्थों या वस्तुओं की मात्रा को व्यक्त करें, वो परिमाणवाचक या मात्रात्मक विशेषण कहलाते हैं। ये निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक के रूप में 2 भागों में बांटे गए हैं। तो निश्चित परिमाणवाचक में क्या रहेगा भाई, इसमें निश्चित मात्रा का बोध होगा, जैसे 2 लीटर दूध, 5 किलो आलू, डलिया भर फूल, मुट्ठी भर दाना। तो यहाँ पे क्या है, जो मात्रा है वो निश्चित है कि 2 लीटर, 5 किलो, डलिया भर, मुट्ठी भर। तो यहाँ पे जो मात्रा है पदार्थ की, दूध की, आलू की, फूल की, दाना की, जो भी, वो निश्चित है, इसीलिए इसको निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा दूध का मतलब आधा लीटर, 1 लीटर, 1.5 लीटर, कुछ कंफर्म नहीं है, कुछ निश्चित नहीं है, तो थोड़ा दूध यहाँ पे क्या है, ये अनिश्चित परिमाण है। अधिक चीनी, आपने कहा कि चाय में चीनी अधिक हो गई, अधिक कितनी हो गई कन्फर्म नहीं है, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो दोस्तों हमने पढ़ा विशेषण 4 प्रकार के, गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। सबसे महत्वपूर्ण है आपका सार्वनामिक और संख्यावाचक, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे।
और कैसे प्रश्न होंगे, क्या पूछा जाएगा, इन सभी चीज़ों का समावेश मैं अगले लेक्चर में करूँगा। और अभी विशेषण में एक दो चीज़ें और आपको मैं बताऊँगा जो बेहद महत्वपूर्ण होगा, जिसमें मैं विशेषण विशेष से कैसे किसी संज्ञा को विशेषण में परिवर्तित किया जाता है, क्या नियम होता है, जैसे अग्नि का विशेषण आग्नेय होता है, संस्कृति का विशेषण आपका क्या सांस्कृतिक होता है, और गमन का विशेषण गत होता है। तो ये कैसे बनता है, कोई शब्द विशेषण में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस पे प्रश्न आता है कि पशु का विशेषण क्या होगा, पशु जो संज्ञा है इसे विशेषण में बनाएंगे तो क्या होगा, तो उसका होता है पाशविक। तो ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, क्या नियम है और कैसे इनको हम समझें, इसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में विस्तार पूर्वक करूँगा, और विशेषण का अभ्यास कार्य भी मैं अगले वीडियो में दूंगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके सभी दोस्त इसका फ़ायदा ले सकें। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी तैयारी के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।